वेलकम टू द तो स्वागत है आप सभी का 2022 के टाटा बिरला आईपीएल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आईपीएल के खिलाड़ी बिल्कुल ही शांत प्रवृत्ति के होते हैं, बिल्कुल ही लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने बिल्कुल ही सही सुना, यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो इसी के साथ चलिए टॉक्स का प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो टॉक्स करने से पहले एक नजर पिच पर डाल लेते हैं। तो आइए कैमरामैन भाई साहब, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पिच बिल्कुल ही साफ, कोई झाट मतलब कोई घास नहीं है और पिच बिल्कुल ही खतरनाक है, स्मूथ है, इस पे बॉल कटने का कोई चांस नहीं है। तो आइए अब टॉक्स करते हैं। तो जैसा कि आप लोग नहीं जानते होंगे, आज मैच है मुंबई वर्सेस चेन्नई में। तो दोनों टीम के कप्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं टॉक्स के लिए। तो टॉक्स करें, रोहित सिक्का देना जरेजा मेरे पास सिक्का, हमसे क्या मांग रहा, इसलिए कापता लेके भग जाओ पैसा। तो शर्मा जी आप टॉक्स करते हैं, तो क्या लेंगे आप? लेना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कोई देना ही नहीं चाहता। साले रितिका भाभी को नहीं ले सकते हो, भारत लोगे या पैसा? भारत। Bang. तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मुंबई टॉक्स जीत चुका है। तो रोहित जी क्या लेना चाहेंगे आप बताइए दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं एक कप कॉफी पीना चाहूंगा। साले त्रिभाव के बरात में ना आए हैं, बैटिंग कीजिएगा कि बल्लेबाजी कीजिएगा बताइए। देखिए मैं पहले फील्डिंग करना चाहूंगा। मैंने देखा रोहित शर्मा ने टॉक्स जीत कर किया बॉलिंग का पहला निर्णय और बैटिंग दिया जडेजा को। तो जाइए आप फील्डिंग से जाइए और आप अपना टीम लीजिए, जुड़वा जाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज का रणजी रोना। तो चलिए, और ये मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, हमारे दोनों एम्पायर का एंट्री हो चुका है। काफी खतरनाक एम्पायरिंग करते हैं ये दोनों। ये मैं क्या देख रहा हूँ, बैटिंग के लिए जडेजा खुद आए हैं, लगता है कुछ करेंगे। 100 किलो रन मारूंगा, सब खिलाड़ी हमारा मुट्ठल लगा दे दिया, 100 किलो रन मारूंगा। वही इन्होंने स्ट्राइक पे उतरे हैं मुट्ठल का राजा गांडमार, सॉरी गेंदवार नहीं गेंदगॉड, तेरी बहन का वही उतरे हैं और बॉलिंग लेकर तैयार। जडेजा मार दिया, फिर छक्का मार दिया जडेजा और ये मार दिया आगे बढ़ के रन लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ एक रन पूरा गया और ये दो रन लेने की कोशिश कर रहे, लगता है आउट होने वाला है। एक क्या जडेजा आउट हो गया फाइनली, और जडेजा का मुसूर हो गया और 20 रन में ही आउट हो गया और एम्पायर ने भी आउट दे दिया। जडेजा लगता है ना खुश है, बस 20 रन में फट गई। अब देखना ये होगा चेन्नई किसे भेजते हैं बैटिंग के लिए। ओ पार करूं मैं, धोनी आए बैटिंग के लिए, लगता है फाड़ देंगे तो मैं बॉलर हूं अपना, और सामान लो और सट्टा बाजो अपना, सट्टा दुगना कर दो और बुमराह टेरी हाथों से दूसरी ओवर लेकर आए और शानदार चमार इन पैर को मार दिया टेरी हाथों से। और शानदार चमाट के बाद एक बार फिर से बॉलिंग लेकर तैयार बुमराह और ये बॉलिंग पहली बोला और फिर नो बॉल है क्या? बाउंस तो कभी दिया भी नहीं बॉल, अबे बुमराह जाने वाला था। भविष्यवाणी करके एम्पायरिंग कर रहे हैं और यहाँ पे जडेजा का अगली बॉल और ये धोनी था खेलते 6 रनों की और ये फिर चौका है, फिर छक्का मार दे उठा के 1 रन के लिए, फिर ये छक्का 6 रनों के लिए और फिर ये और छक्के के सहारे चेन्नई का टोटल रन 209। और मुंबई की तरफ से आए हैं रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ओपनिंग करने के लिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि चेन्नई का बॉलर्स कैसे रोक पाते हैं दो महान बल्लेबाजों को, क्योंकि दोनों खिलाड़ी बिमल खा के कुछ सुअर शॉट मारते हैं। बोलो जुमा केसरी। चेन्नई का बॉलर अगली ओवर लेके तैयार।
और ये रोहित ने उठा दिया विमल के नशे में 6 रनों के लिए और ये फिर छक्का मार दिए, कुछ ज्यादा ही नशा चल गया विमल का। और ये हमारे सूर्य कुमार यादव भी कम नशे में नहीं है और ये मार दिया उठा के, ये फिर मार दिया उठा के, लगातार मारते हुए जा रहे हैं सूर्य कुमार यादव। और ये कौन सा शॉट मार दिया चेती जी, लगता है किसी और का भी नशा कर गया है सूर्य कुमार यादव। और धोनी अपने फील्डरों को समझा रहे हैं, साले तू नहीं छक्का चक्का छोड़ता है, समझा ना, फिर फील्डिंग कर, और हाँ तू अच्छे से बॉलिंग कर, समझा, यहाँ बॉलिंग करने तुमको बुलाया हूँ, बीबी के साथ कंचे खेलने नहीं, कप्तान नहीं हो तो क्या हुआ, सबको फाड़ के रख दूंगा, फुल पावर है उनको, समझा, चल बॉलिंग कर। अंपायर आउट करवा देना नहीं तो धोनी गंगड़ फाड़ देगा मेरा। छेदी जी मैं बताना चाहूंगा आईपीएल में कोई बेटा चिंता मत करो, और हमारे अंपायर बहुत ही शरीफ और नेक दिल हैं, बेईमानी नहीं करवाते हैं। और सूर्य कुमार ने हल्के से बॉल को धकेल दिया है, पीछे खिलाड़ी चिल्ला रहे हैं आउट आउट, ये क्या है, क्या अंपायर ने भी आउट दे दिए, सारा सारी बेईमानी हो रहा है, पैर में लगा बहनचोद, बैट में ने लगाया, एलबीडब्ल्यू आउट है, अबे चूतिया है कि रे अंपायर, तू कि मैं तू हां तो बहनचोद मैं ही दूंगा जो दूंगा, मेरा मर्जी जैसे आउट दूं, आउट है एलबीडब्ल्यू आउट है, तू बचबच मत कर ना, तुझे भी खरे खर आउट दे दूंगा, चुपचाप खेल। और अगले बैट्समैन आए हैं टीम डेविस और मुंबई को जीत के लिए चाहिए 10 ओवर में 104 रन, और ये छक्का 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 और ये छक्का और ये फिर छक्का और ये फिर छक्का, तेरी बहन का बॉलर फिर छक्का, तेरी बहन का छक्का यार, फील्डिंग करो एक विकेट ने चुटना चाहिए, कप्तान हूं साले पार कर रख दूंगा। और यहाँ पे अगली गेंद का सामना करेंगे मिस्टर डेविड, और ये क्या बॉल को उठा के मारा जेल में और नीचे फील्डर मांगी, ये क्या कैच छोड़ दिया और बहुत ही जरेजा गुस्से मूड में, लगता है सबको फाड़ देंगे आज। कैसे मुन्ने जी बोलिए सर, कैसे याद किया, क्या मुंबई को जिताना है, इसके लिए 1 करोड़ 5 जियो का सिम फ्री लाइफ टाइम के लिए, समझिए जीत गया मुंबई। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैच हमारे हाथ में है, समझे जीत गया। और एक बॉल पे 4 रन बनाना होगा मुंबई को, और सबकी निगाहें हम पर गेंद लेके रोहित के लिए, और रोहित ने की तरफ मार दिया है, और ये क्या देख रहा हूँ मैं, जिंदा बेमोनी हो रहा, और अंपायर ने फेंक दिया 4 रन के लिए 4 रन, और ये मुंबई जीत चुका है 10 विकेट से। पेंचुदी सासरे में होने हुआ, मेरा फील्डर पीछे था, यही सही होता, क्यों हो रही